आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीगी जमात वाले अभी भी नंबर वन पे नहीं बने हुए? क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर वन पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आई बबीता फोगाट ने धमकियां देने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो डरने वाली नहीं है और हमेशा सच बोलती रहेंगी। दरअसल बबीता फोगाट ने पिछले कुछ दिनों में एक दो ऐसे ट्वीट किए थे जिस पर जमकर विवाद हो गया था। बबीता ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो भी ट्वीट किए थे उसे लेकर उन्हें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हर जगह धमकियां मिल रही हैं। कुछ लोग तो गालियां भी दे रहे हैं, फ़ोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। 2014 की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान बबीता ने उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे लोग कान खोलकर सुन लें और एक बात अपने दिमाग में बैठा लें कि वो जायरा वसीम नहीं हैं जो ऐसी धमकियों से डरकर घर में बैठ जाएंगी। उन्होंने कहा है कि वो असली बबीता फोगाट हैं, वो अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हैं और ऐसे ही लड़ती रहेंगी। बबीता ने कहा है कि उन्होंने जो भी ट्वीट किया था उस पर वो अभी भी कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना के संक्रमण को फैलाया है। वहीं बबीता ने लोगों से ही पूछते हुए सवाल दागे हैं कि क्या तबलीगी जमात वाले अभी भी नंबर एक पर नहीं बने हुए हैं क्या? अगर उन लोगों ने इस संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अभी तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। बबीता ने कहा है कि जिन लोगों को सच सुनने में परेशानी है वो लोग एक बात और सुन लें कि वो हमेशा सच बोलती रहेंगी और सच लिखती रहेंगी। अगर सच सुनना पसंद नहीं करते या तो अपनी आदत सुधार लें या फिर सच सुनने की आदत डाल लें। बबीता ने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना वायरस भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जमाती अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। उनके इस ट्वीट का कई लोगों ने विरोध किया है। कुछ दिन पहले बबीता ने कुछ ऐसा ही विवादित ट्वीट किया था जिसके चलते उनके अकाउंट से ट्विटर नियमों के चलते उस ट्वीट को हटा दिया गया था। वहीं उन्होंने खुद को जायरा वसीम इसलिए नहीं बताया है क्योंकि दंगल फिल्म में गीता फोगाट की भूमिका निभाने वाली जायरा ने पिछले साल धर्म को वजह बताकर एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया था। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक दो ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डरकर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीगी जमात वाले अभी भी नंबर वन पे नहीं बने हुए? क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर वन पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।